दोस्तों इसका हर प्लान ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर इन्वेस्टमेंट हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, शादी हो या फिर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग है। देखिए जैसा आप चार्ट में देख सकते हैं, साल 2012 में 8.5% का था और इसी तरीके से आप देख सकते हैं 2020 और 21 में 4 और 5% का आज की डेट में चल रहा है। यहां पर कुछ ऐसे स्टैट्स दिए हुए हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कुछ कंट्रीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो माइनस में है, जैसे मैं बात करूं स्विट्जरलैंड की, जापान की या फिर डेनमार्क की। ये स्टैट्स आपके सामने है, ये आपको गूगल पे कहीं भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों जीवन उमंग के बारे में बात करते हैं। यहां पर आपको एक गारंटेड फिक्स इनकम मिलती है पूरी जिंदगी भर के लिए, और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए आपको पूरा कैलकुलेशन समझना होगा मेरे साथ में। यहां पर एक अच्छी बात यह है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आज चूज करेंगे आप, कल को मार्केट का ब्याज दर गिर भी जाए तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होने वाला है। दोस्तों एग्जांपल के तौर पे अमन की एज 30 साल की है इस साल 2023 में। अमन ने यह प्लान चूज किया है 2063 में उनको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो कि आज वो चुनाव करने वाले हैं, जबकि अभी हमने देखा था हर 10 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है, बट अमन के साथ ऐसा नहीं होगा, उन्हें यही रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम मिलता रहेगा जो कि वो आज 2023 में चूज करेंगे। चलिए दोस्तों एग्जांपल समझते हैं। अमन 15,000 रुपए पर मंथ 15 सालों के लिए निवेश करते हैं इस प्लान के अंदर, तो सालाना उनका 1,80,000 रुपए बनता है। दोस्तों आप भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मंथली 500 रुपए से शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर मैं सारी कैलकुलेशंस बताता रहूंगा और ये भी बताऊंगा कि कितनी मिनिमम एज का व्यक्ति और मैक्सिमम एज का व्यक्ति ये प्लान ले सकता है। जैसे इसके बारे में बात करूं जीवन उमंग के, तो 0 साल का बच्चा से लेकर 55 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। दोस्तों मैं इस प्लान को जब आपको समझाऊंगा तो इस बात का ध्यान रखूंगा कि बच्चों की पढ़ाई हायर स्टडीज से स्टार्ट करके उनकी शादी से लेके और आपके आने वाले रिटायरमेंट और लाइफ लॉन्ग पेंशन और लाइफ इंश्योरेंस को कैसे कवर करती है ये जीवन उमंग पॉलिसी। सबसे पहले तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपने साल के 1,80,000 रुपए जमा करने हैं 15 सालों के लिए। जैसा मैंने बताया दोस्तों यहां पर आप चाहो तो महीने के 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं ताकि लोगों को समझने में आसानी रहे। इसको ऐसे समझेंगे कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हमको मिलेगा। तो यहां पर हमने 1,80,000 रुपए 15 सालों के लिए जमा करने हैं। यहां पर आप देख सकते हैं व्यक्ति की उम्र 30 साल की है, सिर्फ 44 साल तक उन्होंने पैसे जमा करने हैं। अब आप रिटर्न वाले कॉलम में आ जाइए, यहां पर 45 साल की उम्र से लेके यहां 100 सालों तक, यानी कि तीनों इमेजेस में देखिए सेम अमाउंट, यानी कि 1,82,000 रुपए इनके साल की रिटर्न इनको मिलती रहेगी। मान लीजिए किसी फैमिली में न्यूबॉर्न बेबी ने एंट्री मारी है, तभी इस प्लान का चुनाव पॉलिसी होल्डर ने कर दिया है, तो जब उनकी उम्र 30 साल की है तो उनके बच्चे की उम्र 1 साल की होगी। तो माफी चाहूंगा जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, बट अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए एक एक प्लान के बारे में बारीकी से तो मैं आपको यहां पर दे सकता हूं। जैसे मैंने बताया यहां पर 45 साल की उम्र में 1,82,000 रुपए उनकी पेंशन चालू हो जाएगी। मान लीजिए 1 साल की उम्र का बच्चा था तभी ये प्लान ले लिया गया था, यानी कि बच्चे की उम्र अब जब 15 साल की हो गई है तब उनको फैमिली को 1,82,000 साल के मिलते रहेंगे। अब यहां पर साल के 1,82,000 रुपए आप अपने किसी भी काम के लिए निवेश कर सकते हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए। अगर मैं बात करूं इनको, अगर आप 2 साल के लिए इस पैसे को स्टोर करते हैं तो 4,00,000 रुपए होते हैं, 5 साल के लिए स्टोर करते हैं तो 7-8,00,000 रुपए के आसपास पहुंच जाते हैं। उससे आप अपने बच्चों की हायर स्टडीज के लिए इसको प्लान कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे मजे की बात तो ये है दोस्तों, जैसे इसका सम एश्योर्ड आप देखिए नेचुरल कवरेज 24,00,000 रुपए का, 24,00,000 के नेचुरल कवरेज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 40%, चलो मैं फिर भी मिनिमम टू मिनिमम लेता हूं 10,00,000 रुपए आप इसके अंदर कभी भी पहले ही विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आपको इसके अंदर लोन मिल जाएगा जिसकी आपको किस्तें नहीं देनी है। लोन आप 10,00,000 का ले सकते हैं, आने वाले कुछ सालों के लिए आपकी जो पेंशन है ये फिक्स इनकम है 1,82,000 की, वो बंद हो जाएगी। मान लीजिए आपको पढ़ाई के लिए 10,00,000 रुपए चाहिए बच्चे को जब वो 16 साल का है या 18 साल का है, तब आपने 10,00,000 रुपए यहां से निकाल लिए, उसके बाद आपकी पेंशन बंद हो गई। उसके बाद जैसे ही बच्चा 25 साल का 24 साल का होगा उस टाइम पे आपका पूरा लोन कवर हो चुका होगा, आप चाहो तो दोबारा यहां से 10,00,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो 1,82,000 रुपए तो आपको इसके अंदर मिल ही रहे हैं। अब यहां पर पढ़ाई की शादी की बात हो गई है और रिटायरमेंट तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जैसे ही आपका लोन क्लियर होगा आपकी पेंशन फिर से चालू हो जाती है। अब जब मैंने बताया गारंटेड रिटर्न है दोस्तों, जैसा मैंने बताया गारंटेड रिटर्न है तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सेम अमाउंट का पैसा हमको दिया जा रहा है। अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताने वाला हूं। मजेदार चीज ये है कि यहां पर आपका पहले साल का जो लाइफ इंश्योरेंस नेचुरल कवरेज का वो है 24,00,000 रुपए का। अच्छा यहां पर एक्सीडेंटल देखिए वो एकदम डबल अमाउंट है आपके नेचुरल अमाउंट से, यानी कि 46,00,000 रुपए का।
और उसके बाद आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी आपका लाइफ इंश्योरेंस भी बढ़ता रहेगा। अगर मैं बात करूं यहां पर 90 साल की उम्र में, तो दोस्तों यहां पर 2,66,00,000 रुपए का आपका लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट बन गया है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी यहां पर आपका लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ता रहेगा, और एक्सीडेंटल भी बढ़ता रहेगा कुछ टाइम तक, उसके बाद में आगे चल के वो सेम हो जाता है एक उम्र के बाद में, जब हमारी उम्र लगभग 70 साल की हो जाती है। तो दोस्तों ये है आपका नेचुरल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज, जो कि बहुत ही स्पीड में हर साल बढ़ता रहता है। दोस्तों जब हम बात कर रहे थे एक बड़े फंड के बारे में जो आपके नॉमिनी को दिया जाएगा जब पॉलिसी होल्डर्स दुनिया से अलविदा हो जाएंगे, तो यही वो अमाउंट है, यही वो कवरेज अमाउंट है जो उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। मान लीजिए मैं बात करता हूं, कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र में इस दुनिया से चला जाता है, तो नेचुरल कवरेज के अंतर्गत उनके परिवार को 1,00,00,000 रुपए इस पॉलिसी के अंदर दिए जाते हैं। राइट, यहां पर हम जानेंगे कि इस पॉलिसी के अंदर हमने कितने पैसे भरे हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने जो पैसे जमा किए हैं वो होते हैं तकरीबन 27,00,000 रुपए के। हमने यहां टोटल पैसा 27,00,000 रुपए जमा किया है। और मैं बात करूं यहां से अगर व्यक्ति भी यहां से पैसा विड्रॉ करना चाहता है, तो इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। तो 70 साल की उम्र में विड्रॉल जो अमाउंट होगा वो 91,00,000 रुपए का, वो अमाउंट तो हो ही गया है। और आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं 45 साल की उम्र से लेके 70 साल, यानी कि हम बात करें इन 25 सालों के बारे में, तो 25 साल में उनको 1,82,000 रुपए भी तो मिले हैं। जी हां दोस्तों, 91,00,000 रुपए मिलते हैं विड्रॉल पे, पेंशन बंद हो जाएगी, उससे पहले भी वो 1,82,000 रुपए इन 25 सालों में ले चुके हैं। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों कितना अमाउंट हो गया है। तो ये बात हो गई हमारे मैच्योरिटी अमाउंट की। तो दोस्तों इस प्लान के अंदर जो रिटर्न आपको मिल रही है वो हमने बात करी, वो है फिक्स्ड, गारंटीड है, लाइफ लॉन्ग है, आप बच्चों की शादी से लेके, पढ़ाई से लेके अपने रिटायरमेंट प्लान तक जा सकते हैं। ये एक ऐसा अमाउंट है जो रिटायरमेंट अमाउंट आपको मिल रहा है, आपको कल को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट इस पॉलिसी के अंतर्गत मिल जाता है। दोस्तों मेरी फेवरेट पॉलिसी यही है दोस्तों, मैं जिसको भी रिकमेंड करता हूं सबसे पहले जीवन उमंग ही करता हूं। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और दोस्तों मैं जानता हूं ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है।